वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नया अपडेट आने वाला है 1.6, उसमें जो नोटिस दिया है BGMI ने बैन के रिगार्डिंग। तो अगर आप 1.6 में अपडेट करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले बिल्कुल अपडेट मत करना, शायद आपका भी अकाउंट उसमें बैन हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, आप देख सकते हैं हम BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, यहाँ पर सारे अपडेट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे थोड़ा तो आपको एक नोटिस दिखेगा जो कि बैन के रिगार्डिंग है। तो इसका टाइटल ही है काउंटर मेजर्स अगेन इलीगल प्रोग्राम्स। तो जो इसमें नए इलीगल प्रोग्राम्स आए, मतलब आप देख सकते होंगे कि गेम में बहुत ज़्यादा हैकर बढ़ चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये BGMI के ऑफिशियल जो है वो एक्शन लेने वाले हैं अब अगले अपडेट में। अगर अपडेट के बाद आपको कोई पॉपअप मैसेज आता है इन गेम जिसमें आपको लिखा रहेगा कि यूर अकाउंट इज़ एट अ रिस्क, तो आपको उसी वक्त अपना गेम को रूटीन रिपेयर करना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ रूटीन रिपेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप अपना गेम खोलोगे आपको लॉगआउट करना है, और लॉगआउट करने के बाद आप राइट साइड देख सकते हैं कि रिपेयर का बटन है, उस पर टैप करोगे तो सबसे ऊपर रूटीन रिपेयर पहले से ही सिलेक्ट होगा, आपको बस ओके दबाना है। उसके बाद आपका गेम रीस्टार्ट होगा, को रीस्टार्ट करना है, और जो नॉर्मल अपडेट आता है अब जब अपन सबसे पहले गेम डाउनलोड करते हैं वो फिर से आएगा 40 MB का, और उसको डाउनलोड करना है आपको। तो ये डाउनलोड होने के बाद ये फिर से एक बार रीस्टार्ट होएगा और आपका गेम नॉर्मल चलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा गेम नॉर्मल तरीके से ओपन हो गया है। इसी तरह आपको रूटीन रिपेयर करना है। अब हम आगे बात करते हैं आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि अगर आप अपना जो गेम है कहीं प्ले गूगल स्टोर या फिर ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से डाउनलोड करते हो तो भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है, तो आपको सिर्फ गूगल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना है, ये ज़रूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपना गेम टैप टैप से डाउनलोड कर लेते हैं या फिर इधर उधर किधर लिंक से कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करना है। आगे इधर लिखा है कि अगर आप अपना फ़ोन रूटेड या फिर जेल ब्रोकन रखते हैं तो उसमें भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है, आपको एक नॉर्मल डिवाइस में चलाना है जो कि रूटेड ना हो और आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। अगर फिर भी आपका एक रिस्क का आता है नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बताया रूटीन रिपेयर कैसे करना है, ये आपको करना ही है। तो मेन बात करते हैं जिसमें वो है GFX टूल वाली, कि अगर आप GFX टूल की यूज़ करेंगे तो आपका बैन लगता है, तो लगता है कि नहीं। तो इधर पबजी वालों ने इस नोटिस में स्टेट तो करा कि आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं तो आपका बैन लगेगा, बट ये बात पबजी वाले Season 2 से कहते आ रहे हैं कि GFX से बैन लगेगा, बट लगा है नहीं कभी। इस बार स्पेशली इन्होंने नोटिस देके कुछ कहा है तो मे बी लग भी जाए। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप GFX टूल यूज़ करें, बट मेरे हिसाब से तो बैन नहीं होता उसमें। इस वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Party on the roadside, 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 roadside. Party on the roadside. Ooh, whoa, 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 whoa. Whiskey bottle. Ooh, whoa, 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 whoa. Joe bottle. Ooh,